इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो फेंगशुई सिंबल डबल हैप्पीनेस पे आधारित है। इसको हम फेंगशुई सिंबल डबल हैप्पीनेस भी कह सकते हैं और दोहरा खुशी संकेत भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो सिंबल है वो आप फैमिली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और नौकरी पर्सन अपने जीवन में भी यूज़ कर सकता है। आज हम इस सिंबल के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है वो डबल हैप्पीनेस यानी दोहरी खुशी संकेत, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई भी मोमेंट आएगी, कोई भी हैप्पी मोमेंट आएगी, वो हमेशा डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कहीं पे जॉब मिली तो आप खुश हो गए, पर उस जॉब के साथ आपको कार मिलती है यूज़ करने के लिए तो आप उसमें डबल हैप्पीनेस यानी डबल खुशी का संकेत आता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि हमें दोहरी खुशी मिली। उसी तरह हमें जब संतान की प्राप्ति होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, पर उस संतान के अंदर हमें ऐसा पता चलता है कि हमें संतान में पुत्र प्राप्त हुआ है तो भी हमारी जो खुशी होती है वो डबल हो जाती है। उसी तरह किसी को प्रमोशन मिलती है तो ऐसा महसूस होता है कि उसको बहुत खुशी हो गई कि उसको प्रमोशन तो प्राप्त हो गई, पर उसको प्रमोशन में सैलरी में भी इंक्रीजिंग मिलेगा और अपने उसके साथ उसको एक कार भी गिफ्ट मिलती है, तो उसकी खुशी में दोहरी खुशी का संकेत दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है ये सिंबल अगर आप अपने लाइफ के अंदर यूज़ करोगे तो आपको हमेशा डबल हैप्पीनेस की अनुभूति होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस लड़के लड़की के बारे में जो उनको अपने मनपसंद जीवन साथी प्राप्त नहीं होते तो वो अपने बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये डबल हैप्पीनेस सिंबल को लगाए, जिसकी बदौलत नैऋत्य कोण के अंदर कोई भी वास्तु दोष होगा वो वास्तु दोष के रीज़न से ही हमारी शादी के अंदर अड़चन आती है या शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं मिलती। ऐसे स्टेज पे ये सिंबल अगर अपने अपने बेडरूम में आप लगाओगे या अपने ड्राइंग रूम में लगाओगे तो उस फैमिली में जो अविवाहित लड़के लड़की है उनको खूब संस्कारी, सुंदर और पढ़े लिखे जीवन साथी प्राप्त होंगे और उनकी शादी अच्छी जगह होगी। यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम सुशील हैं, हम सुंदर हैं, पर हमारी शादी नहीं होती, ये किसी भी घर की अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये सिंबल मार्केट से लेके आइए और अपने बेडरूम में या ड्राॅइंग रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए। उसी तरह जिनके वहाँ संतान के अंदर पुत्री यानी लड़कियों का जन्म ज़्यादा होता है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम्स कोई फैमिली में है तो वो फैमिली में भी ये सिंबल मार्केट से लेके आओ और अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाओ, जिसकी वजह से ये उनके फैमिली के अंदर पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह जिस पति पत्नी के अंदर कायमी झगड़े लगे रहते हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं सकते, वो भी अपने जीवन के अंदर खुशी का डबल हैप्पीनेस करना चाहते हैं तो ये सिंबल को अपने बेडरूम में लगाएंगे। और घर के अंदर भी अगर बहुत कलेश भरा वातावरण है, घर के अंदर झगड़े रहते हैं तो भी ये सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल को आप अगर अपनी फैक्ट्री में लगाते हो तो इसका क्या रिपोर्ट मिलेगा आपको कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कभी भी कोई भी प्रकार की तनाव नहीं रहेगा, कर्मचारी और मालिक के बीच प्यार भरा संबंध रहेगा, जिससे कोई भी स्ट्राइक, कोई भी आंदोलन आपको महसूस नहीं होगा, जिससे आपकी फैक्ट्री पॉजिटिव स्मूथ वर्क करेगी। उसी तरह अगर आप ये सिंबल को अपने ऑफिस में लगाते हो, अपनी शॉप में लगाते हो तो इस सिंबल की बदौलत आपका रिलेशन आपके कस्टमरों के साथ एकदम प्यार भरा रहेगा, आपके वहाँ जो काम करते हैं उनके साथ प्यार भरा रहेगा। ये सिंबल इतना इम्पोर्टेंस है और इतना शीघ्र फल देने वाला है, आप इस सिंबल को अपने बेडरूम में यूज़ करोगे तो इससे बहुत ही फायदा होगा, ड्राॅइंग रूम में यूज़ करोगे तो भी फायदा होगा। पर एक खास बात याद रखना, ये जो सिंबल है वो रेकी से हीलिंग हुआ होना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिविटी की ऊर्जा होनी चाहिए तो ही ये सिंबल काम करता है। मार्केट में से जो सिंबल मिलेंगे वो भी आप ऐसी दुकान में से लेके आना कि इसको सिद्ध किया हुआ हो। अब इस सिंबल के बारे में हम देखते हैं कि हमारा यूटी स्कैनर कैसे इसको डिटेक्ट करता है पॉजिटिविटी के अंदर।
आज हम आपको फिर हमारे यूट्यूब स्कैनर की सहायता से इस सिंबल की ऊर्जा दिखाते हैं। जैसे हमने इस मास केबल के ऊपर ये डबल हैप्पीनेस सिंबल रखा है और हम इसकी पॉजिटिविटी चेक करें, अगर ये 360 डिग्री पे मूव हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देख लिए दोस्तों, ये पूरा मेरा जो स्कैनर है वो 360 डिग्री पे मूव हो गया, यानी सिंबल के अंदर इतनी पॉजिटिविटी ऊर्जा है कि ये आप खुद महसूस करते हो और खुद आपको खुद को पता भी चल रहा है। अब ये सिंबल मैं हटा रहा हूँ तो अब हमारा स्कैनर की स्थिति देखना, तो सर ये आपको 0 डिग्री ही दिखेगा। जैसे ही मैं इस पर ये सिंबल रख रहा हूँ मास केबल पे, तो ये आपको तुरंत इसकी ऊर्जा का दिखेगी, यानी ये डबल हैप्पीनेस सिंबल आप यूज करो तो ये सिद्ध किया हुआ होगा तो ही फायदा करेगा। और फेंशुई की हर कोई प्रोडक्ट अगर रेकी से सिद्ध की हुई नहीं है तो वो आपको फायदा नहीं करेगी। यानी आपके घर के अंदर अगर टीवी लेके आते हो, फ्रिज लेके आते हो या कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो, तो वो उसका फायदा हमें कब मिलता है, जब उसमें हमें इलेक्ट्रिकसिटी यानी उसके अंदर बिजली आती है, जैसे कोई पावर सप्लाई आता है तभी वो इंस्ट्रूमेंट का हम मजा ले पाते हैं, नहीं तो वो हमारे लिए खिलौना है। यानी कोई भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिकसिटी की ऊर्जा प्राप्त आएगी तो ही टीवी फ्रिज वीडियो का हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। उसी तरह फेंगशुई में भी कोई भी सिंबल हो या कोई भी गैजेट हो, अगर उसको सिद्ध किया हुआ नहीं है, हिल किया हुआ नहीं है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो एपिसोड आपको कैसा लगा, इस एपिसोड के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। बस एक